देखिए, हम बात कर रहे हैं आज स्वास्थ्य व्यवस्था की। बिहार सरकार एक तरफ दावे करती है कि हम बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं आमजनों को, लेकिन यहाँ धरातल पर लोगों को क्या मिल रहा है, किस प्रकार से सुविधाएं उनको प्राप्त हो रही है, यह जो है ये जानने योग्य बातें हैं। आज हमारे साथ एक व्यक्ति जो स्थानीय मधेपुर के निवासी हैं और ये आज इलाज करवा कर आए हैं, और इनके साथ किस तरह से इनका इलाज किया गया, क्या इनके साथ बीता है, वो आप लोग जरा इन्हीं के जुबानी सुनिए। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रॉकी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मधेपुर के स्थायी निवासी हैं। मधेपुर के रहने वाले। क्या हुआ था, क्यों चले गए थे अस्पताल, क्या समस्या क्या आ गई थी? दो दिन पहले मेरे सर में चोट लगा था, ऊपर से कुछ बॉक्स गिर गया था छत पे से सर पे। अच्छा। तो रात में काफ़ी पेन हुआ सर में, तो सुबह गए दिखाने के लिए। तो फिलहाल कितने बजे गए थे? सुबह 8 बजे गए थे। अच्छा। तो इमरजेंसी में बैठे हुए थे डॉक्टर आर के रंजन, मधेपुर PSC के। मधेपुर PSC के। अच्छा। डॉक्टर आर के रंजन बैठे हुए थे। हाँ। तो उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जा ही रहे थे, तो मैं जैसे ही पहुँचा तो उन्होंने देखा, ये देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैंने प्रॉब्लम अपना बताया कि ब्रेन में चोट लगा था और काफ़ी दर्द हो रहा है। तो उन्होंने एक्सरे कराने की सलाह दी, एक्सरे करवाइए, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो रही है और उसके बाद जो डॉक्टर ड्यूटी पर होंगे उनको दिखाइएगा, वो बोल के चले गए। एक्सरे के लिए मैं खड़ा रहा 10 बजे, एक्सरे 9:45 बजे करीब एक्सरे कर्मी आए एक्सरे करने के लिए। तो उनसे मैंने एक्सरे करवाया तो उन्होंने कहा रिपोर्ट 6 घंटे के बाद देंगे। हमको कोई बात नहीं, 6 घंटे के बाद हम आके रिपोर्ट ले जाएंगे। जब 3 बजे दोपहर में हम रिपोर्ट लेने के लिए गए हैं तो मेरा एक्सरे किया गया है ब्रेन का। और रिपोर्ट मिल गया नहीं मिल गया? रिपोर्ट मिल गया था। हाँ, रिपोर्ट मिल गया। अच्छा, 3 बजे आपको? हाँ, 3 बजे उन्होंने रिपोर्ट दिया। अच्छा। रिपोर्ट दिया तो मैंने देखा उस पर कि उस पर लिखा हुआ शोल्डर का रिपोर्ट है, शोल्डर इज़ नॉर्मल। तो वहाँ के एक स्वास्थ्यकर्मी जो थे वहाँ उनको दिखाया, चिकित्सक थे वहाँ उनको दिखाया कि सर ये तो मैंने ब्रेन का कराया था और इन्होंने दे दिया है इसका। तो उन्होंने सर ही बताया कि आपको शोल्डर का दे दिया गया है, मिस्टेक हो गया हमसे। किन से मिस्टेक हो गया? एक्सरे कर्मी से। अच्छा, मतलब आपके सर में चोट लगा जी, आपने एक्सरे करवाया सर का जी, ठीक है, और रिपोर्ट आपको दे दिया गया शोल्डर का, कंधे का, कंधे का, कि आपका कंधा बिल्कुल दुरुस्त है क्या? हाँ, गड़बड़ है? दुरुस्त है। अच्छा, ठीक है, कंधा ठीक है बिल्कुल। हाँ, कंधा ठीक है। अच्छा, सर को मतलब एक्सरे दिया था सर का कि नहीं दिया था? सर का एक्सरे जो है? हाँ, एक्सरे प्लेट दिया गया हमको, मेरे पास है। अच्छा, एक्सरे प्लेट है मेरे पास, मिला हुआ है, लेकिन रिपोर्ट दिया गया शोल्डर का। अच्छा, तो उसके बाद आप वहाँ के जो डॉक्टर थे उनको नहीं आपने बताया कुछ? हाँ, उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि शोल्डर का दिया। मैंने सर मैंने तो कराया है ब्रेन का, तो ये तो शोल्डर का दे रखा है रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मिस्टेक हो गया, किसी और का रिपोर्ट मिल गया होगा। तो मैंने कहा कि इसमें सीरियल नंबर तो सेम ही है। अच्छा, मिला के देखा मैंने, उसमें 31 बार सीरियल नंबर मेरा उसमें रिपोर्ट में भी वही है और एक्सरे प्लेट में वही रिपोर्ट है। अच्छा, सेम है नंबर। उसे मैंने कहा कि होली में अगर ज़्यादा लस्सी वस्सी पी लिए हों तो हो सकता है नहीं उतरा हो अभी तक, इसलिए हो सकता है ऐसा रिपोर्ट आपको जी दे दिया गया। जी जी। तो फिर दोबारा कहाँ इलाज करवाया कहीं आपने कि वो छोड़ दिया भगवान भरोसे? छोड़ क्या करेंगे, गए थे PSC में नहीं हुआ, अभी भगवान भरोसे छोड़ दिया है, देखेंगे आगे कहीं और जाके जांच करवाएंगे अपने सर का। देखिए, यहाँ पर कहने को सरकारी अस्पताल बन गया है, डॉक्टर मुस्तैद हैं, उसके बाद वहाँ पे बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक्सरे हो, कोई अन्य जांच हो, इन सब की सुविधाएं सरकार कहती है कि आपको अस्पताल के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन अस्पताल के अंदर जब आदमी इलाज कराने के लिए पहुँचता है तो उनके सर का एक्सरे किया जाता है और कंधे का रिपोर्ट बनाकर दे दिया जाता है। अब उस रिपोर्ट का आदमी क्या करे, ये आप सोच सकते हैं। कुछ कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि PSC मधेपुर का स्वास्थ्य जो है, व्यवस्था जो है काफ़ी लचर है, उसकी दुर्दशा काफ़ी ख़राब है। उसके सारे कर्मचारी जो है समय पर ड्यूटी पर आते नहीं हैं, एक अगर ड्यूटी पर आते भी हैं बिना समय के, जो उनका समय नियमित रखा हुआ है समय के बाद आते हैं वो, उसके बाद भी वो सही से काम नहीं करते हैं। देखिए, कोई भी आदमी जब उसकी परिस्थिति खराब होती है, वो बीमार होता है, जब ही वो अस्पताल की ओर जाता है और वहाँ जाकर उसकी इच्छा होती है कि हम मुझे यहाँ बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब ऐसे हालात पैदा होंगे तो
तो फिर आदमी जाए तो जाए कहाँ।